सब्सक्राइब कीजिए एमकेपी गुड टिप्स चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो आज की इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन का आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन का पासवर्ड आप ला सकते हैं, क्योंकि योनो एसबीआई एक इंटरनेट बैंकिंग है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे हम फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र एक ले लेना है, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र ले लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र लेने के बाद इसमें आपको टाइप करना है www. इसमें लिख देना है onlinesbi.com। जी हाँ मित्रों, www.onlinesbi.com। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो इसको हम सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद मित्रों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा एसबीआई योनो का। तो ये देखिए, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक है लॉगिन, एक है योनो। तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या सब मांगा जा रहा है, आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे यूजर नेम आपको तो पता ही होगा, यूजर नेम अपना यहाँ जो भी आप सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। और यूजर नेम देने के बाद यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं अपने खाता का। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कंट्री, तो आप यहाँ पे जिस भी देश में रहते हैं आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे जो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए मोबाइल नंबर, जो आप बैंक में आपका लिंक है मोबाइल नंबर, वही आपको इसमें देना है मोबाइल नंबर में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ DD, एक लकीर खींचा हुआ, उस तरह से आपको देना हो। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे किस तरह से आपको लिखना है, टाइप करना है। जैसे 20 है, उसके बाद इस तरह का सिंबल आपको भी देना है, उसके बाद 01, उसके बाद इस तरह का सिंबल आपको देना है, ठीक है। हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इस तरह का आपको सिंबल देना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा आप देख पा रहे हैं, ये कैप्चा, तो यहाँ पे ये कैप्चा को इस जगह फिल कर देना है। फिल करने के बाद जब आप कैप्चा फिल कर लेंगे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे सबमिट बटन पे है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है OTP आएगा। OTP आने के बाद आप जो है उस OTP को इस इमेज पे आपको दे देना है, जो कि एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो ये देने के बाद आपको फिर से देखिए नीचे में जो है नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो जब नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, उसके बाद यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो है मेरे पास ATM कार्ड है, तो यहाँ पे हम ATM कार्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये जैसे कि अपडेट आया, तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स सेलेक्ट, ये देखिए आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है कार्ड नंबर। तो आप कार्ड नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके कार्ड में नंबर है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है वैलिडेट ट्रूथ एक्सपायर डेट, आपका कार्ड में भी लिखा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से भर देना है। उसके बाद कार्ड होल्डर्स नेम, यहाँ पे जिसका नाम है कार्ड पे, उस नाम को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं ATM पिन, 4 अंक का होता है, आप यहाँ पे दे सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने आएगा ये कैप्चा। तो इस वाले जब ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया कैप्चा आ जाएगा। अगर नहीं यहाँ पे रहेगा कैप्चा इस वाले ऑप्शन पे तो नया कैप्चा आ जाएगा। तो ये सब फिल करने के बाद अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपको कहा जाएगा इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, आप जो है एक मजबूत पासवर्ड ऊपर में दे दीजिए। उसके बाद कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड आप दे सकते हैं यहाँ पे। जब आप दे देंगे उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रिसेट सक्सेसफुल। तो आपका जो पासवर्ड जो है नया एक बन चुका है।